सो वॉट इज अप दोस्तों, स्वागत है आपका PRD एडिट्स में। तो आज की एडिटिंग में मैं आपको बताऊंगा, इंस्टाग्राम में काफ़ी आजकल ज़्यादा चल रहा है ग्रेनी मतलब फोटोज़ ब्लैक एंड वाइट, तो उसका ट्यूटोरियल मैं दूंगा और साथ ही में एक डुअल टोन ट्यूटोरियल भी दूंगा आपको। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और भाई चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब करते हो जाना। ओके तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको एक ना फोटो खिंचा लेना अपना, तो ना आपको ना एकदम ना क्लोज खिंचाना कैमरा के एकदम ना ज़्यादा दूर नहीं, जैसे देखिए मेरा फोटो देख सकते हैं कि मैंने एकदम क्लोज खिंचाया अपना फोटो के, दूर नहीं खिंचाया ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना फोटो खिंच लेना ताकि अपना बैकग्राउंड जो अगर आपके पास प्लेन बैकग्राउंड है तो काफ़ी सही बात है। ओके दूसरा आपको क्या करना है कि अपना आपको प्रोफाइल्स में से ना अपने एक ब्लैक एंड वाइट वाला जो प्रोफाइल है वो आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। ओके उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, वो आप ऑप्शनल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा आपके फोटो पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, जैसे कि मैं अपने फोटो में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा लग रहा था मेरे को, ठीक है, तो उसके लिए मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया उसका और थोड़ा सा देखिए ब्लैक थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा सा डेप्थ और डार्क इफेक्ट आ जाएगा हमारे फोटो में। ओके उसके बाद ना अब देखिए यहाँ पर अब मैं आके थोड़ा सा हल्का सा क्लैरिटी और बढ़ाता हूँ, और ग्रीन जो है ना भाई आपको पूरा एकदम 100 कर देना। ओके उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना थोड़ा सा नॉइस और क्या बोलते हैं शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन और शार्पनेस, ताकि आपकी फोटो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिव टूल में जाना है, यहाँ पर जाने में आपको जो रेक्टेंगल वाला है वो आपको टूल सेलेक्ट कर लेना है। ओके और नीचे साइड से ना थोड़ा सा आपको क्या करना है डार्क कर देना, अगर आपका फोटो डार्क है नीचे से मतलब मैं आपके ऊपर आपकी सर तरह से उसको करना चाहिए, तो मेरे को नीचे तरफ से थोड़ा डार्क चाहिए था तो इसलिए मैंने डार्क किया है वहाँ पर। ओके ओके और ऊपर साइड आप मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा और थोड़ा सा लाइट करूँगा मैं इसको, ज़रा सा करूँगा ज़्यादा नहीं। ओके मतलब एकदम थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ज़रा सा ही, ठीक है इतना चल जाएगा। ओके तो यहाँ पर अब शायद तक डन करते हैं। ओके अब देखिए ये फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ना अगर आप ना देखिए अब विग्निटी थोड़ा सा कर दे ताकि और थोड़ा सा एजेस थोड़े डार्क हो जाए, ताकि फोटो जो अपना ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है मेन वो उसी पे फोकस बना रहे। ओके अब आ जाए हमारे नेक्स्ट पिक में, तो ये वाला पिक में अब मैं आपको ना डुअल टोन ग्रीन डुअल टोन फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा इसमें। तो इंस्टाग्राम में ये सब फोटो क्या ना सिंपल भी लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं, और इससे ना आपके मतलब लाइक्स एकदम मतलब भर भर के आएंगे। ओके तो इसमें भी आप मैं सेम करूँगा, वो स्टार्टिंग प्रोसेसर तो सेम है, आपको ब्लैक एंड वाइट प्रोफाइल एक सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अगर थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ अपने सेलेक्टिव टूल में। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अपना रेक्टेंगल टूल लेके आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पार्ट कौन सा किस तरह का आपको कलर्स चाहिए, आप चाहे तो डुअल टोन या ट्रिपल टोन जो आप चाहे वो रख सकते हैं। ओके तो यहाँ ऊपर से ऊपर साइड से मैं रख रहा हूँ अपना रेड कलर, ओके रेड ऑलमोस्ट हाफ फेस पे, और नीचे साइड से मैं रखूँगा ब्लू कलर। ओके तो रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक भी लगता है। ओके तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप कलर्स अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जो कलर सही लगे वो आप रख सकते हैं, ठीक है उसमें कोई वो नहीं कि कलर आपको कुछ भी रखना है। ओके तो यहाँ पर अब देखिए रेड और ब्लू मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारी फ़ोटो और अच्छी दिखे। ओके तो यहाँ पर अब देखिए ब्लू और रेड तो हो गया अपना, हाँ अब इसको थोड़ा सा करने के लिए ना अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके हम इसे और बेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं यहाँ एडजस्टमेंट में, तो यहाँ देखिए मैं हाइलाइट्स कम कर रहा हूँ एकदम थोड़ा, ताकि जो एकदम जो लाइट पार्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए जो एकदम चमक रहा था। ओके तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए अब मैं क्या करूँगा कि जो नीचे साइड है ना वहाँ थोड़ा सा ना डार्क करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ बहुत लाइट लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोजर डाउन कर देते कि काफ़ी अलग ही एक लुक आ जाता है हमारे फ़ोटो में। ओके तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ना ऊपर साइड से भी करना पड़ सकता है, नहीं तो ओके तो यहाँ देखिए चलिए ग्रेन तो यहाँ भी हो गया, ग्रेन से क्या ना काफ़ी अलग ही लुक आ जाता है जो कि ना काफ़ी अच्छा भी दिखता है। ओके और अगर आपको ग्रीन चाहिए ना तो आप स्नैपसीड में या कोई और ऐप में जाके कर सकते हैं और ग्रीन ही। ओके अब यहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके ताकि कलर्स और अच्छे दिखें। उस अब देखिए अब मैं यहाँ कर्व्स में आ गया, कर्व्स में आने के बाद ना देखिए अब मैं क्या करूँगा तो हल्का सा ना थोड़ा सा मूडी टोन डालूंगा इसमें। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं देना है कर्व्स की, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट रखनी है, ओके ज़्यादा आप कर देंगे तो काफ़ी बेकार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको आपको हल्का सा ऊपर लिफ्ट करेंगे ना तो ऐसे ही आपका ना मूडी टोन काफ़ी तगड़ा सा एक आ जाएगा, एकदम मस्त दिखता है।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए मैं किस तरह से एक एस शेप का आसपास का आपको कुछ एक मिलेगा लूप, ठीक है, तो आपको उस टाइप का कुछ एक लूप बनाना है। ओके, तो आप देखिए हमारी फ़ोटो क्या ज़बरदस्त दिख रही है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा यार फोटो इंस्टा में डालेंगे तो। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए अब देखिए भाई ओरिजिनल और इसमें देख सकते हैं आप क्या अंतर लग रहा है भाई, काफ़ी तगड़ा दिख रहा है फ़ोटो। ओके, तो अपना थोड़ा सा नीचे तो डार्क है, ऊपर भी ना शायद तक हमें थोड़ा सा डार्क की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, क्या थी यानी से थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा था मेरे को। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए अब ऊपर क्वार्टर से भी थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करेंगे, ज़रा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर जो अपना फेस पार्ट है ना उसको हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डल लग रहा है मेरे को। ओके, तो इस पार्ट को हम हल्का सा ब्राइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा करेंगे बस, हाईलाइट्स का बढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए अब सही लग रहा है। ओके, फेस भी और बाकी सब चीज़ भी देखिए काफ़ी तगड़ा लग रहा है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते अगली वीडियो में।